Assalamualaikum class, my name is Mohammed Salman. Now we discuss here sampling and its types. जी हमने start में अपना जो research methodology का chapter start किया था उसमें यह था कि हमने basic research को देखा था कि research है क्या, उसकी define को हमने, उसके areas को हमने cover किया. उसके बाद ये कि हम जब research कोई conduct करते हैं उस research को conduct करने में जो हमारा goals होते हैं हमने उनको follow करना होता है. देखिए जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है अगर हम उन गोल्स पर पूरा उतरे, उनको फॉलो करें, तो उस गोल उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी रिसर्च एक सक्सेसफुल बना सकते हैं. अब एक रिसर्च हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसके हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसकी हम फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं. रिसर्च एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हमें प्रीवियस रिसर्चेस को भी देखना पड़ता है. देखें प्रीवियस भी इतनी रिसर्चेस होती हैं जिन्हें हम प्रीवियस पास्ट अपने रिसर्चेस को भी स्टडी करते हैं, हमारे जो पास्ट आर्टिकल्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, देन जो हमें फ्लॉज होते हैं फिर उन फ्लॉज को देखते हुए जो चीज़ हम फुलफिल नहीं हो रही होती है, जो जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हम नहीं उतर रहे होते वो फिर हम उसमें कवर करते हैं अपनी न्यू रिसर्च में जो हम कर रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे होते हैं. बेसिकली रिसर्च जो है किसी भी टॉपिक, किसी भी फील्ड, किसी भी हमारे टाइटल से रिलेटेड हो सकती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं करता. देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो उस रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या फाइंडिंग्स, क्या फाइंड आउट करना है. बेसिकली हम जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने जब अपने रिसर्च के डाटा को एनालाइज करना होता है या उनका एनालिसिस करना होता है तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स काफ़ी रोल प्ले करती है. अब वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि प्योर स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसमें हमारे मीन मीडियन मोड आ जाते हैं. इसके अलावा हमारे जो मेजरमेंट एरर्स हो गए वो हम स्टडी करते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कवर हो रही होती है. मीन मीडियन मोड जो है ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक पहलू ही है. इसके अकॉर्डिंग हमारे सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, सैम्पलिंग एरर हो गए, हाइपोथेसिस हो गया, हमारे केस फॉर्मुलेशन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें लिंक करती हैं. अब हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं, मैंने अगर रिसर्च करनी है अपनी कि एक मैंने एकेडमिक लेवल चेक करना है मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स के, तो एकेडमिक लेवल मैंने एक प्रोग्रेस चेक करनी है मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स की कि किस तरह से वो उनकी प्रोग्रेसिव चल रही होती है उन अपने उस एरा में जो कि वो दो साल का होता है हमारा 9th और 10th का मैट्रिकुलेट लेवल पे स्टूडेंट का एकेडमिक अचीवमेंट किस तरह से अचीवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें अगर मैंने स्टडी करनी है तो. देखिए जी मैं उसमें क्या कवर करूँगा कि मेरी अगर पॉपुलेशन है जी 1000 पर्सन उसमें है पॉपुलेशन में जिस एरिया को मैं अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो वो मैं 1000 को तो अपनी स्टडी में इंगेज नहीं कर सकता क्योंकि वो 1000 पर्सन एक इतनी ग्रैंड पॉपुलेशन है कि उसमें मेरा एक्सपेंस भी काफ़ी वेस्ट होगा, टाइम भी मुझे काफ़ी उसमें रिक्वायर्ड होगा. इसलिए फिर क्या करते हैं हम उस पॉपुलेशन में से हम सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं. सैंपल ड्रॉ किस तरह से कि सैंपलिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए अपने सैंपल को इंगेज करते हैं अपनी उस स्टडी को कंटिन्यू और उस प्रोसीजर को सक्सेसफुल करने के लिए. इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने रिसर्च करनी है जी ड्रग एडिक्शन पे, ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, तो यूथ में ड्रग एडिक्शन को अगर देखा जाए तो मुझे यूथ में अब एक मुझे कंप्लीट चीज़ ये होगी कि यूथ कौन सी लेनी है, कि किस एज लिमिट में मैंने रहना है. देखिए जी मैं अपनी स्टडी में सोचूँ कि मैंने जो अपनी यूथ लेनी है 18 ईयर से लेके 25 पे, तो मीन मैंने जो अपना एक इंटरवल सेट किया है वो मैंने 19 साल से लेके 18-19 साल की अपनी एज रैंक स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, और मैंने अपनी स्टडी के जो इंटरवल सेट किया है वो 25 साल है, मतलब 19 या 18 साल से स्टार्ट हो वो पार्टिसिपेंट, उनकी एज 18-19 से लेके 25 के दरमियान होनी चाहिए, तो उन पार्टिसिपेंट्स को मैं लूँगा. उन पार्टिसिपेंट्स को मुझे पता है कि मैं जिस एरिया पर स्टडी कर रहा हूँ उसमें जो है 18-19 साल के 800 लोग हैं, तो उन 800 लोगों पे तो मैं अपनी रिसर्च नहीं करूँगा. फिर क्या होगा कि मैं उन 800 में से अपनी सैंपलिंग की कोई टेक्निक फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने सैंपल्स को ड्रैग कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, देन मैं अपनी रिसर्च को जो है कंटिन्यू कर लूँगा.
अब अगर रिसर्च की टेक्निक्स को आप देखें कि कौन सी टेक्निक में क्या चीज़ हम करते हैं, तो फर्दर अगर इनकी डिवीजन चेक की जाए, सबसे पहले भी सैंपलिंग है। सैंपलिंग क्या होता है, कोई सैंपल जिसे हम अपने सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन में से, वो बनता है हमारा सैंपल। सैंपलिंग की मेन टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप पे देखें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ रहा है, सेकेंड आ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने जब सैंपल ड्रॉ करना होता है तो हमने उस सैंपल को उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेड्स, उसकी किसी भी चीज़ पे हमने नहीं ड्रैग करना होता, हमने जस्ट एक सैंपल लेना होता है। देखिए जी, एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उन 30 स्टूडेंट में से 10 सैंपल लेने हैं, तो 10 सैंपल रैंडमली कोई भी हो सकते हैं। वो ये नहीं कि ये देखा जाए फलाना बच्चा ज़्यादा पढ़ने में अच्छा तो उसको ले लिया जाए, अगर एक बच्चा उसका यूनिफॉर्म अच्छा, इस बेस पे हमने सैंपल नहीं लेने। प्रोबेबिलिटी हमने उसमें हमने पर्सनल ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करना, हम कोई भी सैंपल अपने ड्रा कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे तीन सैंपल आ रहे हैं, तीन डिवीजन आ रही हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में काफ़ी सब टाइप्स हैं, लेकिन मेन टाइप्स हैं इसमें तीन हैं, क्लस्टर सैंपलिंग है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखिए जी, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में हमारा मेन, हम क्लस्टर वाइज अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब ये है जी, क्लस्टर सैंपलिंग में अगर हम आए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग इन विच द सैंपलिंग यूनिट्स आर टू बी फाउंड इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कि हम ग्रुप बना लेते हैं इंडिविजुअल्स का। दीज ग्रुप्स आर नोन एज क्लस्टर्स, क्लस्टर वाइज हम उनको डिवाइड कर देते हैं। देखिए, एक क्लास है, क्लास में से जब हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ग्रुप ए बी सी डी, इट मीन्स कि वो क्लस्टर होते हैं हमारे। इसी तरह हम रिसर्च में जब अपनी सैंपलिंग टेक्निक, क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक में भी हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल आ रहे होते हैं जो कि एक ग्रुप में फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक करते हैं, तो इसको क्लस्टर सैंपलिंग कह दिया जाता है। क्लस्टर वाइज मतलब कि जहाँ पे हम अपने ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल मीन के वन पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो इसमें दीज ग्रुप आर नॉन एज क्लस्टर, ईच क्लस्टर इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सेम लाइक जब आर्मी की सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखें, तो आर्मी में क्या होता है कि आर्मी में ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, तो ग्रुप इंटरव्यू में हम उनको उस ग्रुप में मौजूद जो पर्सन होते हैं उनकी ट्रेड्स को बात नहीं करते, हम उस होल ग्रुप की एकेडमिक और उसकी प्रोग्रेस और उसकी अचीवमेंट पे बात कर रहे थे। लाइक जिस तरह हम कॉलेज में कह रहे थे कि सेक्शन ए जो है काफ़ी ओबीडियंट है एज़ कम्पेयर सेक्शन बी, तो वो सेक्शन ए और बी के दो क्लस्टर हमारे अकॉर्डिंग हम उन पर बात कर रहे हैं। तो इसी तरह ही अ सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सम टाइम द क्लस्टर रिलेट टू जियोग्राफिकल रीजन्स, देन द सैंपलिंग इज नॉन एज एरिया सैंपलिंग। देखें जी, क्लस्टर सैंपलिंग के बाद जब अपने सैंपल हम अपने क्लस्टर को एरिया वाइज रिलेट करते हैं या रीजन वाइज रिलेट करते हैं, तो उसको हम एरिया सैंपलिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की एक ये किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, दिस इज अ टेक्निक इन विच सैंपल्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमाइंड पैटर्न जो हमने पहले से अपने ऑब्जर्व किए होते हैं, पहले से हमारे जो पैटर्न बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम अपना सैंपलिंग को ड्रैग करते हैं। द यूनिट आर सेलेक्टेड बाय द इक्वली स्पेस्ड इंटरवल नॉन एज सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल क्या होता है कि इक्वल स्पेस होती है। देखिए जी, मैंने अपनी एरिया जो अपनी स्टडी के लिए मैंने एरिया चूज किया था, उसमें जो मैंने सैंपल देखे कि मैंने जी 18 साल से लेके 25 साल के लोगों पे ये स्टडी करनी है ड्रग एडिक्शन की, तो उन 18 साल से 25 साल के जो लोग हैं वो एक मेरा एरिया है, वो एक इंटरवल है मेरे अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर एक हम स्टडी करें डिप्रेशन लेवल पे, तो डिप्रेशन लेवल पे हमने क्या चेक करना है, लेवल ऑफ डिप्रेशन को अगर चेक करना है, वही करना है स्टूडेंट्स में, किसी भी हम अपने मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम डिप्रेशन लेवल को चेक करें, तो हम ये देखेंगे डिप्रेशन के इंटरवल्स को देखेंगे, डिप्रेशन की रैंकिंग मीन्स के 5 से 10 के दरमियान कौन सा रैंक आ रहा है डिप्रेशन का, माइल्ड डिप्रेशन है, मिनिमल है, सीवियर है। इस तरह से हम अपने रैंक सेट कर लेते हैं इंटरवल, इक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग। देखिए जी, मैंने अपने अगर डिप्रेशन की रैंकिंग की है कि 5 से 10, 5 से 10 में कौन कितने लोग आ रहे हैं, अब मैं ये देखूँ 5 से 10 के दरमियान जो लोग आ रहे हैं वो 20 हैं, इसके बाद है जी 11 से 15 के दरमियान कितने आ रहे हैं वो 25 हैं। तो ये मेरे सिस्टमेटिक सैंपलिंग है जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए मैं इक्वल इंटरवल पे अपनी सैंपलिंग को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस टेक्निक इज नॉट ट्रूली रैंडम,
because the subsequent unit of each collected by the constant sampling interval. इसमें ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे randomly हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने subsequent unit को pre-selected किया होता है एक constant sampling interval को follow करते हुए, क्योंकि हमने पहले ही हमने देख लिया कि कौन सा पर्सन कौन सी रैंकिंग में आ रहा है, हमने उन्हें पहले ही प्री डिटरमाइंड पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उन्हें पुट कर दिया। इसके बाद आते हैं हमारी एक टेक्निक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है जी? स्ट्रेटिफाइड एक स्ट्रेटिवाइज हम सैंपलिंग करते हैं। देखिए जी, क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, उन 50 स्टूडेंट में से मैंने 6 स्टूडेंट निकालने हैं, तो 6 स्टूडेंट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को फॉलो करते हुए किस तरह से मैं अपनी सैंपलिंग अगर स्ट्रेटिफाइड देखूँ तो इस तरह से निकाल रहे हैं कि 3 स्टूडेंट छोड़ के फिर 3 स्टूडेंट ले लिए जाए, उसके बाद 3 स्टूडेंट स्किप करके फिर 3 ले लिए जाए, क्लास में जब वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में बैठे हों ऑर्गेनाइज वे में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो 3 के स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बना दिए। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि 2 स्टूडेंट को छोड़ के फिर मजीद 2 ले लिए जाए, अगले 2 को छोड़ के फिर उससे अगले 2 ले लिए जाए, तो एक स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैंपलिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में हम अपने हमें इस चीज़ का पता नहीं होता एक सीक्वेंस है एक ऑर्गेनाइज मैनर का, क्योंकि हमने रैंडमली सैंपलिंग ड्रैग करने होते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी एक रैंडम सैंपलिंग है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हम एक ऑर्गेनाइज और वेल मैनर्ड वे में अपने सैंपलिंग को ड्रैग करते हैं। इसमें एक बात की है, अ पॉपुलेशन कंटेन्स हाईली वेरिएबल मटेरियल एंड अ सिंपल रैंडम सैंपल्स फॉल्स टू एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज दैट डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ यूनिट इन सच अ वे दैट द यूनिट विद इन ईच ग्रुप आर सिमिलर एज पॉसिबल। तो फिर ये हो सकता है कि जब हम अपनी सैंपलिंग ले रहे होते हैं स्ट्रेटिफाइड में, हमारे जो सैंपल हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, मुमकिन हद तक वो सिमिलरिटी उनमें मौजूद हो सकती है। इसके बाद है दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए जी, ये जो प्रोसीजर है जब हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये सारा तरीकाकार सारा मरला स्टार्टिफिकेशन कहलाता है। द ग्रुप आर कॉल्ड स्टार्टअप, तो वो ग्रुप जो बन रहा होता है वो एक स्टार्टअप बन रहा होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग फ्रॉम ईच ऑफ द स्टार्टअप आर देन सेलेक्टेड एंड कंबाइंड इनटू अ सिंगल सैंपल। दिस टेक्निक इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये सारी हमारी टेक्निक्स थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो कि फर्स्ट टाइप थी हमारी सैंपलिंग में। अब है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये सेकंड हमारी टेक्निक है, सेकंड मेन टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इज आल्सो कॉल्ड जजमेंट सैंपल, जिसमें हमने अपने पार्टिसिपेंट को जज करके हमने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रैग करना होता है। एज अ पर्सनल जजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। इसमें अब है जी, एक पर्सनल जजमेंट हमारी प्ले कर रही होती है, पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है कि हर सैंपल को सेलेक्ट किया होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। द टू कॉमनली यूज टाइप ऑफ जजमेंट सैंपलिंग आर द पर्पजिव सैंपलिंग एंड द कोटा सैंपलिंग। अब पर्पजिव सैंपलिंग मीन्स पर्पज, किसी मकसद के थ्रू जब हम अपने सैंपल ले रहे होते हैं, मकसद क्या हो सकता है जी, हमने मिडिल क्लास फैमिली में एंजाइटी लेवल को चेक करना है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली लेंगे। पर्पज है हमारा, एक मकसद है कि हमने मिडिल क्लास लोगों पर स्टडी करना है। मिडिल क्लास लोगों में हमने एक इंटरवल सेट कर दिया कि ऐसे मिडिल क्लास लोग जिनमें जो सैलरी वाइज अगर उनका है सिस्टम तो 25,000 से 30,000 की सैलरी अगर है तो उस पर हमने स्टडी करनी है। अब इसमें है जी पर्पज, एक मकसद के थ्रू जब हम अपनी रिसर्च में सैंपल ले लेते हैं पर्पजिव सैंपलिंग कहलाता है। दिस इज अ टेक्निक इन विच द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज मेड बाय सम पर्पजिव मेथड। हियर द इन्वेस्टिगेटर मे गिवन रेन टू हिज इंक्लाइनेशन इन द सेलेक्टिंग अ सैंपल। अब यहाँ पे एक बात हुई है जी, हमने जब अपनी स्टडी चल रही होती है रिसर्च, उस रिसर्च में हमें जरूरत पड़ जाती है अपने सैंपलिंग की, तो पर्पजिव सैंपलिंग को हमने जब लेना है तो एक सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि किसी मकसद के थ्रू लिया जाए। ये ना कि हमने एक रैंक बनाया है कि हमने मिडिल क्लास लोगों में स्टडी करनी है तो उसमें हमने हाई स्टैंडर्ड लोगों को भी इंक्लूड किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोटा सैंपलिंग इज द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अ कोटा सैंपल इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी और जजमेंट सैंपल इन विच द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। स्पेसिफिक हमने एरियाज को कवर कर लिया होता है, हमने उन्हें डिवाइड किया होता है मॉड्यूल्स में, तो हम वो कोटा वाइज अपने सैंपलिंग ले लेते हैं। आपने देखा होगा जॉब्स के जो ऐड आते हैं तो उनमें ये होता है कि अगर एक जॉब है, लाइक एक जॉब आई है जी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें जो सीट्स होती हैं कोटा वाइज जो डिवाइड की होती हैं जी, पंजाब डिवीजन के लिए 25 लोग हों
इसके अलावा बलूचिस्तान के लिए 4 हों और सिंध के लिए 3 हों, तो इट मीन्स ये सारा कोटा वाइज है। तो कोटा सैंपलिंग भी इसी तरह से होती है कि कोटा सैंपलिंग में हमने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल को स्पेसिफाइड एरियाज से ड्रैग करना होता है। द कोटा ऑफ ओल्ड एंड यंग, अर्बन एंड रूरल, अपर मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप एटसेट्रा। कोटा सैंपलिंग बीइंग अ वेरी क्विक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइडली यूज इन पब्लिक ओपिनियन पोल्स एंड रिसर्च सर्वे। अब कोटा सैंपलिंग में क्या होता है जी, कोटा सैंपलिंग में हम अपने लोगों के ओपिनियंस को भी ले सकते हैं, उनकी राय हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर सैंपल और इसकी टेक्निक्स पे, जो कि हमें रिसर्च में काफ़ी मदद देते हैं और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमने अपने सैंपल्स को किस तरह से एंगेज करना है और अपनी स्टडी में उन्हें इन्वॉल्व करना है, कौन से सैंपलिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी है। क्योंकि सैंपलिंग टेक्निक एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको अगर हम एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर के थ्रू अगर हम अपने सैंपल सेलेक्ट करें तो अपनी स्टडी को और अपने एरिया को कवर भी कर सकते हैं और कम वक्त में हम अपनी स्टडी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू क्लास।